हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी आटा गुड़ केक। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। यहाँ पर मैंने एक केक टिन ले लिया है, केक टिन में बटर पेपर लगा लिया है। इसके ऊपर से अच्छे से ऑयल लगा लेंगे चारों तरफ। केक टिन को साइड में रख लेंगे। यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, 1/4 कप ग्रेटेड गुड़ रखेंगे, 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, 1/4 कप दही। मिक्स करेंगे तीनों चीज़ों को स्मूथ होने तक। तीनों चीज़ों को स्मूथ होने तक अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक छन्नी रखेंगे, 1 कप व्हीट फ्लोर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। छान लेंगे। यहाँ पे 1/2 कप दूध लिया है, 1/2 ऐड कर लेंगे। मिक्स करेंगे कट एंड फोल्ड वाले प्रोसेस से। थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे, दूध ज़रूरत के अनुसार ऐड करेंगे, बाकी का दूध भी ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून कट किया हुआ किशमिश मिक्स करेंगे, 1 टीस्पून सिरका। केक का बैटर अभी भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं। हमारे केक का बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है बैटर को। ऑयल से ग्रीस किया हुआ टिन ले लिया है, केक का बैटर डाल लेंगे, टैप कर देंगे ताकि बैटर इक्वल हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच बारीक कट किया हुआ बादाम और काजू लिया है, बैटर के ऊपर से डाल लेंगे। एक साइड में रख लेंगे, गैस ऑन करेंगे। केक मैं पतीले में बेक करूँगी, पतीला रख लिया है गैस के ऊपर। पतीले में नमक डाल लेंगे, नमक को पेंदी में इक्वल कर लेंगे। पतीले को ढक देंगे, हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से गर्म होने देंगे। पतीला अच्छे से गर्म हो चुका है, ढक्कन हटा लेंगे। एक स्टैंड रख लेंगे, केक टिन रखेंगे, सही से सेट कर लेंगे टिन को, ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन के ऊपर से कुछ वज़न रख देंगे ताकि हीट बाहर ना निकल पाए। गैस का फ्लेम एडजस्ट कर लेंगे, लो से थोड़ा सा तेज पे रखेंगे। केक को हमें बेक करना है 35 से 40 मिनट। केक का जो बेकिंग टाइम होता है केक की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ 1 कप का बनाया है तो बेकिंग टाइम भी कम लगेगा। केक को बेक करते हुए मुझे 40 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। ऊपर से देखने से तो लग रहा है काफ़ी अच्छे से बेक हो चुका है, फिर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक चाकू ले लिया है, केक के बीचों बीच डाल के देखेंगे। चाकू हमारा बिल्कुल क्लीन निकला है तो केक हमारा बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है। गैस को ऑफ कर लेंगे, केक टिन को पतीले से बाहर निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। केक ठंडा हो चुका है, चाकू ले लिया है, चाकू से केक के किनारे छुड़ा लेंगे। प्लेट ले लेंगे, केक टिन के ऊपर रखेंगे और ऐसे पलट लेंगे, हल्का सा टैप कर लेंगे। बहुत ही आसानी से निकल गया, बटर पेपर रिमूव कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही स्पॉन्जी बना है हमारा केक। पलट लेते हैं, केक को कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही स्पॉन्जी और टेस्टी बना है। व्हीट फ्लोर से बना है तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से आटा गुड़ केक।
फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।